दोस्तों, वेलकम टू फंकी गर्ल व्लॉग्स एंड आवर रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने वाले हैं खान सर का नया वीडियो, जो कि कपिल शर्मा के शो पे आए हुए थे। पता ही है भाई, खान सर का यार अपन जानते ही, मतलब भाई अलग ही बोलबाला है, अलग ही बोलबाला है। और उसके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ निकले हुए या पूरा एपिसोड है, मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, पूरा एपिसोड तो नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ छोटे क्लिप्स होंगे, क्योंकि कपिल शर्मा का शो तो एक घंटे का होगा। खान सर की गहरी बातें वो बताई गई है इस वीडियो में, तो वो हम जानेंगे और सुनेंगे खान सर के ओपिनियंस या उनकी बातें या उनका लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है। और मजा आता है इनके वीडियो देखने में, आपको पता ही है कि कितना अच्छा लगता है। तो बस स्टार्ट करते हैं इनका वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी। उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। अच्छा, हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू, तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना, शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी हैं एक, तो जब आप आए कितनी पटना से है ना, हमें भी पटना पसंद है। आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? आजकल के फैंस यस। देन ओनली खान सर। फैन कॉलिंग देख रहे हैं खान सर। फैन कॉलिंग हो रहा है जरूरी। लेकिन लव हिम। हाँ, बहुत बढ़िया, लव हिम। चार चार जी, कैसे हैं आप? बहुत सीधे काम करती है। सीरियल तो और ससुराल चौपट रहता है। देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर की हो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा, उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म। बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक झोंक देगी जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो, टाई लगाओ, खत्म कहानी। बाद में आएगा घर तो देखेगा वो मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है। सही बात है, सही बात है। परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया काहे है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है। सही बात है, टीवी सीरियल में आप लोग भी पिसाइएगा, इसलिए डे वन से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे वन से, पहले दिन से तुम लोग एकदम समझ में आता है। तुम्हारा उम्र कितना है अभी? तो तुम बोल दिया, पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टैडी दे, टैडी दे। पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। ऐसा पढ़ लिख लो भाई, सही है। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। वाह, सही बात है। तुम हम लोग को तो याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है।
ये भारत की संस्कृति है बाबू, ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है सात जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए सात फेरे लेते हैं। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी ओके वहां फादर डे मनाओ कि ओकरा याद ना आता हमारा फादर कौन है। तुम मम्मी से पूछो, मम्मी 2013 में तुम किसके साथ शादी की थी? ओहो जॉन डिसूजा, उसके बाद विक्टर। हम बोले ना लड़का के लिए क्या होना जरूरी है, क्या मैं लड़की के लिए लोग बोलते ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अभी खुद के सुन के आ रहे यार, क्या रही सब क्या बोल दिया था मैंने। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। यार यार शादी शुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। आगे और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे क्योंकि बेडरूम में घुस जाइएगा। अरे आज जाके कह दीजिए खान सर बोले तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता कचर के मारे। अगला स्टेशन कैंट एरिया है वसंत विहार। जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड ना हो न उतरे, और आपके पास कार्ड नहीं है उतर गए, अरे चल ना घूम के आते दूसरे का मेट्रो से, तो वहाँ बैठल रहेगा आर्मी वाला धो देगा, अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं पहुँचाए जाएंगे। घर में भी देखिएगा ना, महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी दीदी। सुपनेखा भी तो महिला थी नहीं थी, और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे, उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिया काट दिए थे। नकिया काट दिए सुपनेखा का नहीं पता है। देखो लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया, कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, डीएनए में घुस गया। वाह बाप रे, कौन जी करती है? नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज? इस सबको समझो नहीं आता है, कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर, तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे, हां मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन ही गड़बड़ा जाता है, समझा गया कि नहीं? गल दे बहुत खतरनाक, दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम। कहां से सोचा है ये लाइन? क्या जरूरत है भैया पिटाने की, इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया? लाइव वाले सब समझ रहा है सर, हाँ ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है सर, ये उधर हंसता है सर, ये कैसे हंसता है सर पता है, इमोजी बना देता है सर। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, और घुसी आएगा तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कब कब बैच उच लेट हो जाता है ना, घुसी आके ऐसे बोलता है। बाप रे यार, देखने लायक शो है, खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया यार, मुझे तो पूरा शो देखना पड़ेगा अभी। हाँ यही लग रहा है भाई, पूरा शो ही देखना पड़ेगा आंसर का। अरे ग्रेट यार, खतरनाक। और मेरे को पता है सबसे ज्यादा मजा कहाँ रहती है, जब खान सर का जो पीछे वीडियो चल रहा था ना टीवी पे, इधर खान सर अपने अलग ही है, उस पे क्या कर रहा है, अरे और ऊपर से यहां सेलिब्रिटीज, यहां सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, रविंद्र टंडन जी बैठी हुई है, सर सराह खान वो बैठी हुई थी, कौन दूसरी कौन थी, फराह खान, सराह खान बोला था मैंने। और मैंने कहा देखो यार कैसा लगता होगा ना,
खैर आप YouTube यार से यहाँ पर सेलिब्रिटी बन गए हो, आप खुद एक वो खान सर, मतलब आप वर्ल्ड वाइड खान सर, खान सर फेमस हैं। खान सर अलग से अपने अपने फेमस है, और क्या डायलॉग देते हैं यार, मतलब खत्म खतरनाक, खान सर फ्रॉम पटना, और सबसे बढ़िया अच्छा गए, और कितना ज्यादा उनमें ह्यूमैनिटी है, ये आपने स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताई, देखी हमने उनकी ह्यूमैनिटी, तो मतलब 7,000 की फीस, 2.5 लाख की फीस 7,000 में कर दी, फीस देने से मना करा दे कि आप फीस मत लो, आप हम पढ़ाएंगे, बस पढ़ लो यार, पढ़ लो आप, बस पढ़ लो, करियर बना लो, सच में यार, तो एक मतलब ऐसी इंसानियत होनी चाहिए हर किसी में, अगर आपके पास ज्ञान है तो दे दो, दे दो यार, यूट्यूब चैनल खोला है चक्कर में, वो चाहते तो उसको प्राइवेट रख सकते थे कि नहीं, और क्या, ज्ञान ज्ञान को बना लेते भाई, अपना एक धंधा बना लेते, फाइनेंस कर लेते, पैसा बनाते रहते, पैसा बहुत बनता, इतनी नॉलेज है, बहुत पैसा बना लेते, और क्या, जिस तरीके का उनका बोलने का ढंग है उससे तो ऑल वैसे देखा ही छा गए YouTube पर, वो चाहते तो अपना नॉलेज शेयर भी नहीं करते, पर नहीं, उन्होंने अपना ज्ञान बांटा और बांटते गए और बांटते रहे, और इसी चक्कर में आज इस मुकाम पे हैं। ग्रेट यार, ग्रेट आंसर जी, मजा आ गया, पूरा वीडियो देखने का मन है, तो आज अपन पूरा वीडियो देख लेते हैं, देख लेंगे, अगर आप चाहते हैं आपके साथ देखें तो हमें बताइएगा, हम लोग ट्राई करेंगे आपके साथ कैसे देखना है, बनाते हैं कुछ तो भी तकड़े पकड़े, पर हम आपके साथ देख लेंगे, कमेंट आप कमेंट कीजिए, आंसर का वीडियो कैसा लगता है जस्ट कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।